नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पेंटागन ने एक नई रिपोर्ट निकाली है जो चीन के रक्षा बजट पर है, जिसके बारे में जब मैं आपको डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में तो आप चौंक जाएंगे। चीन ने बहुत ही रैपिडली इतनी ज़्यादा अपनी डिफेंस बजट को बढ़ा लिया है कि पूरी दुनिया चौंक गई है। जी हाँ, इस पता है कितना बड़ा है, करीबन 850%, इतना बड़ा इंक्रीज। जब दुनिया भर की तमाम मिलिट्री बढ़ाती है 2%, 4%, 5%, चीन ने बढ़ाया 850%, जो बहुत ही ज़्यादा रेडिकल है। और पूरी दुनिया में एक तरीके से तोते तो उड़ा दिए उन्होंने बड़े बड़े देशों के, उनमें अमेरिका हो चाहे भारत हो। डिफेंस एक्सपर्ट सभी सोच रहे हैं कि इतना रैपिडली उन्होंने बढ़ाया और खर्च कहाँ किया, ये भी बताऊँगा। लेकिन भारत का रक्षा बजट कहाँ ठहरता है, भारत का खर्च, जो मतलब कि पैसा खर्च करना एक बात है, लेकिन पैसा खर्च कहाँ किया, कितने पैसे में कितनी सही चीज़ ली, ये भी एक अहम चीज़ है, मैं आपको बताऊँगा। और भारत ने कैसे चीन को डटर कर दिया है बिल्कुल छोटे बजट में। जी हाँ, ये भी आप देखने वाली बात होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड जितने भी वीडियो सुबह शाम में पर डे 2 वीडियो डालता हूँ बिना रुके बिना थके, आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल पाए और आप सभी वीडियो को एंजॉय कर पाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, पेंटागन के एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ने ये रिपोर्ट पेश की है पेंटागन में, जिसमें कहा गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस रिपोर्ट को, इसमें कहा गया है कि चीन ने पिछले 20 साल के अंदर, जो उसका पहले 20 साल पहले जो रक्षा बजट था सिर्फ $20 बिलियन था, लेकिन उसे बढ़ाकर 850% बढ़ाया, करीबन $200 बिलियन तक पहुँचा दिया है। और 200 बिलियन प्लस कहा गया, यानी 200 बिलियन प्लस भी हो सकता है इसमें। और इसे खर्च किया गया ज़्यादातर रिसर्च के तौर पर, यानी कि रिसर्च किया गया है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में। अब बात कर लेते हैं कि भारत का जो रक्षा बजट है वो कितना है और उसे कहाँ खर्च किया गया है। भारत का रक्षा बजट है करीबन 50 से 60, हमेशा इतना ही रहता है, इसके आसपास ही अल्ले पल्ले ही रहता है, करीबन 40 से 60 के बीच में हमेशा वो फ्लोटिंग होता रहता है। लेकिन भारत का डिफेंस का जो एक्विजिशन है वो बहुत अच्छा रहा है। चीन का आपको बताऊं कि भले ही उसके पास इतना बड़ा बजट हो, लेकिन उसके पास जो फाइटर जेट है ना, ढंग का फाइटर जेट सिर्फ एक ही है, वो SU-35। उसका J-20 प्रोग्राम पूरी तरीके से फेल है, फ्लो रहा है, पूरी तरीके से फेल रहा है J-20। भारत ने क्या किया है कि भारत को पता था कि छोटे बजट में हम इतनी चीज़ें तो नहीं कर सकते, स्टेल्थ चीज़ें बनाना, स्टेल्थ बॉम्बर बनाना, जो चीन बनाने की कोशिश कर रहा है। हमने क्या किया, हमने फोकस किया अपनी मिसाइलों के ऊपर, यानी कि मतलब कि देखिए कि कितना अच्छा काम किया गया। मिसाइलें क्या होती है, सस्ती होती हैं, लेकिन इनसे डरता दुनिया का हर एक देश है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया ने भी जैसे किया, उसे पता था कि अमेरिका जैसी टेक्नोलॉजी उसके पास तो है नहीं, वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बना सकता। तो उसने क्या किया, उसने सिंपल सी मिसाइलें बनाना शुरू कर दी, न्यूक्लियर मिसाइलें, 20-30 मिसाइलें उसके पास है जो ऑफिशियली, उनसे चीन डरता है, उनसे अमेरिका डरता है ना, तो उस पर नॉर्थ कोरिया पर अटैक करता है, और इससे उसने खुद की आत्मरक्षा भी किया। तो भारत ने यही किया, पाकिस्तान और चीन जैसे नेबरहुड को कंटेन करने के लिए जरूरी था, हमने बढ़िया दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलें प्रोग्राम चलाए हैं, बहुत सारी मिसाइलों का प्रोग्राम है, तो हमारे पास ये एक बड़ी उपलब्धि है। चीन ने क्या किया कि उसने रिसर्च पर तो बहुत पैसा खर्च किया उसने पिछले 20 सालों में, स्टेल्थ बॉम्बर, H-सीरीज के बॉम्बर बनाए उसने J-20 जैसा प्रोग्राम बनाया, जो बताया मैंने 2009 में शुरू किया गया, 2009 में उसने फर्स्ट टेस्ट फ्लाई की थी, लेकिन आज तक वो सर्विस में ही नहीं आ पाया। क्यों, वही काम चीन का हमेशा कि पैसा तो कितना भी लगा लो, बुद्धि भी तो लगानी पड़ती है ना, मतलब कि F-35 की टेक्नोलॉजी चुरा ली, रूस से इंजन ले लिया, WS इंजन, दोनों फेल। जी हाँ, अकल भी, वो कहते हैं ना कि नकल भी अकल से होती है, तो ये चीन का एक J-20 में उसने जो 250-300 बिलियन डॉलर लगाए हैं वो सब फेल हो गए। इसके अलावा उसका मिसाइल प्रोग्राम के नाम पर सिर्फ डोंगफेंग जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल रहा है, इसके अलावा सारे प्रोग्राम फेल रहे हैं। डिफेंस सिस्टम के नाम पर उसने रिसर्च बहुत पैसा खपाया, 150-200 बिलियन डॉलर उसने डिफेंस सिस्टम के नाम पर खपाया, लेकिन सब फेल रहा, अंत में उसे S-400 ही खरीदनी पड़ी रशिया से। तो चीन ने मतलब कि पैसा खर्च किया, लेकिन उसे सही तरीके से मिल नहीं पाया। भारत का पास छोटा बजट था, लेकिन भारत ने छोटे बजट में बहुत सारी चीज़ें खरीद ली। हमारे पास आज राफेल है, हमारे पास मिराज फाइटर जेट्स हैं, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन मिसाइल्स हैं, हमारे पास S-400 भी है, और हमारे पास खुद का आकाश मिसाइल है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हमने कर ली है, लेकिन हम फिर भी लगे पड़े हैं अपनी, और हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के बराबर ही हैं। चीन दूसरा अभी उतारने जा रहा है, भारत भी दूसरा उतार लेगा पानी में, और तीसरा भी भारत उतारेगा, यानी कि भारत के पास, और भारत के पास एक ऐसी चीज़ है जो चीन के पास तो कतई नहीं है, वो है डिप्लोमेसी। कैसे, भारत के पास हमने जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, अमरीका और ऐसे इनके देशों के साथ हमने एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया है चारों देशों के साथ, यानी कि इनके जितने भी नेवल और आर्मी बेसिस है वहाँ पर भारतीय शिप्स डॉक कर सकती है, भारतीय नेवी डॉक कर सकती है,
और हमारे पर इनकी नेवी सी जो मिलिट्री डॉक कर सकती है, जिससे कि हमें एक बिना एक चवन्नी खर्च किए हमें दुनिया भर में हमारे मिलिट्री बेस हो गए एक तरीके से। चीन क्या कर रहा है, अरबों रुपये खर्च कर रहा है कहीं जिबूती में, कहीं अफ्रीका में, कहीं मालदीव में, कहीं श्रीलंका में, और वहाँ पर और कहीं पाकिस्तान के ग्वादर में अरबों रुपये फूंक रहा है, और तब जाकर उसे 4-5 मिलिट्री बेस मिले। भारत को ऐसे बहुत सारे बेनिफिट उठाए भारत ने, लेकिन चीन का प्रॉब्लम ये भी है कि चीन पर कोई देश भरोसा नहीं करता है, भारत पर देश ये भरोसा करते हैं। इन्हें भारत की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन चीन की नीयत पर शक है इन देशों को, इसलिए इनके साथ ऐसे अलायंस नहीं होते। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और बाकी जो डिफेंस एक्सपर्ट भी कहते हैं कि भारत भी इसलिए निश्चिंत है कि भले ही इनका डिफेंस बजट बढ़ रहा हो, लेकिन इनकी आर्मी और नेवी और एयरफोर्स में क्वालिटी वाइज कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। क्वांटिटी वाइज इंप्रूवमेंट हुआ है, यानी संख्या बढ़ी है, लेकिन संख्या में क्वालिटी नहीं बढ़ी है। भारत अपनी क्वालिटी पर थोड़ा ध्यान दे रहा है, जैसे कि अभी राफेल हमने खरीदा है, अभी हम और 114 डील खरीदेंगे। चीन क्या करता है, स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट करता है, मतलब कि फाइटर जेट बना रहा तो बिल्कुल डिजाइन से हर चीज़ स्टार्ट करता है, और फिर एक बनाकर मतलब कि उसमें बहुत पैसा खर्च हो जाता है, फिर बनता नहीं है तो फिर दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी चुराता है। भारत क्या करता है, जैसे कि हमने अभी 114 फाइटर जेट की डील है MMRCA की, हमने साफ कहा है कि आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दो, हम आपके साथ डील कर लेंगे, हमें बैठे बिठाए 4th जनरेशन की टेक्नोलॉजी या 4.5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, हम उसे फिर अपग्रेड करके 5.5 तक ले जाएंगे। तो ये एक स्मार्ट मूव है भारत का, जो चीन के पास नहीं है दोस्तों। हालांकि तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अपने व्यू जो चीन का रक्षा बजट बढ़ा है इसके ऊपर, और भारत को इस पर क्या अपना रक्षा बजट बढ़ाना चाहिए, या फिर अपनी जो टैक्टिकल जो हम अपनी अप्रोच के साथ चल रहे हैं हमें उसी के साथ बढ़ना चाहिए धीरे धीरे, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और साथ ही बेल आइकन दबा लो, और साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके बताना जरूर, और वीडियो देखने के बाद फिर सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।